ये जो कानून पास करा तो किससे मीटिंग करी थी अमित शाह जी ने या मोदी जी ने? किसी ट्रांसपोर्ट वाले को बुलाया था या किसी ऑल इंडिया ड्राइवर संघ को किसी को बुलाया था? तो अपनी मर्जी जो उठा के ले आते हैं, पता नहीं क्या क्या लाते हैं। और जो 7 लाख रुपए मुझ पे अपने होंगे खुद के, तो मैं ड्राइवर क्यों करूंगा या किसी की नौकरी क्यों करूं, अपना बिजनेस नहीं करूंगा मैं तो? ड्राइवर तो सरकारी नजर, जो दारू पी के ड्राइवर करता है हम उसको कहते हैं फांसी लगाओ, हम उसके खिलाफ है। दारू के देश में लाइक करो, दारू बंदी जो कर दो, बैन जो कर दो, सबको ड्राइवर लेके चलेगा। और जो मोदी जी को ड्राइवर लेकर चले तो मोदी जी तो अपने घर बैठे रहेंगे। संविधान लिखा हुआ वो गलत लग रहा है अमित शाह को या मोदी जी को? गलत लग ही रहा है, उन्हें गलत लग रहा है संविधान लिखा हुआ। क्यों होने चाहिए बदलाव? यानी कि किसी गरीब का गला काटना बदलाव होना ठीक बात है? नमस्कार, मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे। जिस तरीके से हिट एंड रन जो कानून लाया गया है उसके तहत हर ड्राइवर जो है वो परेशान है और उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, और मोदी सरकार से यही बोल रहे हैं कि ये जो कानून लाया गया है इसको वापस लो, और कह रहे हैं कि ये काला कानून है, कानून नहीं फांसी का फंदा बन चुका है। इसी चीज को लेके हमारे साथ यहाँ पे ड्राइवर मौजूद है, बात करेंगे इनसे। सर, क्या तकलीफ है ये जो कानून लाया गया है? मैम, तकलीफ ही तकलीफ है, और है क्या? सारी तकलीफ ही है। जेल कौन काटेगा? पैसा इतना ड्राइवर के पास पैसा है क्या इतना जो दे देगा और छूट जाएगा? और फिर देगा तो किस किस को देगा? एक्शन रोड पे गाड़ी चलाएगा तो आज भी होगा, कल भी होगा, सारे काम होंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत कर रही है सरकार, हमारे साथ में जो भी कर रही है सही नहीं कर रही है। लेकिन वही कहा जा रहा है ना कि एक जान की कीमत से बढ़ के थोड़ी ना है ये 7 लाख रुपए। जान की वो ठीक है, अच्छी बात है, पर सामने वाला आ रहा है, बाइक वाले आपने देखा होगा कैसे चलते हैं रोड पे, कैसे नहीं। कोई ड्राइवर चाहता है कि भाई मेरे हाथ से ही हादसा हो? कोई नहीं चाहता है मैडम। बस ये है कि ये सरकार पता नहीं कहाँ कहाँ से नियम उठा के ले आती है, अचानक ही ठोक देती है कोई भी नियम। लेकिन अभी ये जो है लेटर दे दिया गया है, लेकिन अभी इसमें बोला है कि जांच होगी इसमें। मैम, वो एक आश्वासन दिया गया है इसके वजह से कि ताकि ड्राइवर लोग अपना अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये वापस कभी सरकार, आपको पता है किसानों ने कितना आंदोलन करा, जब जाके किसानों ने अपना वो करा, उसके बाद उन्होंने 13 महीने के बाद उनका अभी भी वो पेंडिंग में चल रहा है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। तो हमारा क्या है ये बताओ? हम तो अभी स्टार्ट करा है, आज पहला दिन है, यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार वापसी नहीं लेती है तो इसके ऊपर और ज्यादा यहाँ पे इकट्ठे होंगे। लेकिन इससे पहले भी और भी कई जगह आंदोलन हुए हैं, पूरे ट्रक ड्राइवरों के ही आंदोलन हुए हैं। कौन सा ट्रक ड्राइवर? तो कोई नहीं हुआ, पहली बार ही देख रहे हैं हम तो पहली बार ही देख रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मतलब जिस तरीके से जो कानून आया है इसमें आप विरोध क्यों कर रहे हैं? तो मतलब सही कानून है ना, जिस तरीके से बनाया गया है, सोच समझ के बनाया गया हो रहा है कानून, कैसे सही है आप बताइए, सही कैसा है? कह रहे हैं ना कि ये दुर्घटना होती रहती है, मामले दुर्घटना के सामने आते रहते हैं, इस कानून के तहत जो ट्रक ड्राइवर है वो सही से एकदम ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाएगा और दुर्घटना के जो ये आंकड़े आते हैं ये कम होंगे। अब एक बात बताइए मैडम जी, मैं गाड़ी रोड पे चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी का टायर फट गया, मेरा एक्सीडेंट हो जाए और ऑन द स्पॉट मौत होगी, तो सरकार मुझे क्या देगी? सरकार मुझे क्या देगी उस बात के लिए, बताइए आप मुझे? और जो 7 लाख रुपए मुझ पे अपने होंगे खुद के, तो मैं ड्राइवर क्यों करूंगा या किसी की नौकरी क्यों करूं, अपना बिजनेस नहीं करूंगा मैं, बताइए आप मुझे? अपना बिजनेस नहीं करूंगा मैं तो? फिर दूसरी बात, एक ड्राइवर पैदा होने से के लिए बताता हूं मैं तुम्हें, जिस टाइम लेडीज की डिलीवरी होती है बच्चा होने से, यहां तक कि आदमी जब तक कब्रिस्तान में शमशान घाटों में पहुंच जाता है, जब तक एक ड्राइवर उसके साथ रहता है, ड्राइवर का जब तक साथ रहता है। फिर उसमें दूसरी बात कि 10 साल की सजा, चलो 10 साल की सजा मुझे होगी, मेरे बच्चों को कौन पालेगा? जो बच्चे वो उन बच्चों को कौन पालेगा? 7 लाख तुमने मुझसे ले लिए, चलो सपोज करो 7 लाख तुमने मेरी गाड़ी जब्त कर ली, ठीक है, और 10 साल की मुझे सजा होगी, तो मेरे बच्चों को सरकार क्या देगी? सरकार मेरे बच्चों को क्या देगी? और उस बात की क्या गारंटी है कि एक्सीडेंट मुझसे हुआ या अगला आदमी खुद आके मेरी गाड़ी में बड़ा है? उस बात की क्या गारंटी है कि एक्सीडेंट मुझसे हुआ है या अगला आदमी आकर खुद मेरी गाड़ी में बढ़ गया? मैं कैसे कह सकता हूँ उस बात को? अगला आदमी खुद आके मेरी गाड़ी में बढ़ गया और वो मर गया अंदर स्पॉट, गलती उसकी, सजा मैं भुगत रहा हूँ, मैं क्यों भुगतूं उस सजा को? मतलब ये है ना कि अगर दुर्घटना हुई है तो कम से कम उसे देखा तो जाएगा, वरना लोग तो वही मौके पे छोड़ के भाग जाते हैं। देखा जाएगा, अभी पीछे एक्सीडेंट हुआ था हापुड़ साइड, ऑन द स्पॉट ने जेल भेज दिया, कहाँ देखा गया? कहाँ देखा गया? ऑन द स्पॉट जेल भेज दिया, उन्हें क्यों जेल भेज दिया भाई, क्यों भेज दिया जेल? और देखो सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देता है ड्राइवर, साल का 30,000 का इंश्योरेंस, ठीक, रोड टैक्स, प्रदूषण, फिटनेस,
यहाँ तक के टोल महीने का कुछ भी नहीं, तो 20,000 एक ड्राइवर सरकार को कमा के देता है, एक ड्राइवर महीने का 20,000। अब एक बात होगा, तुम्हें 10 लाख भी वापसी देगा और सजा पाएगा ड्राइवर, तो ड्राइवर तो सरकार की नजर मैडम है नहीं, पागल हुआ नहीं, सरकार की नजर में तो पागल हो गया। इतना खुद जो मंत्री हमारे बैठे हैं वो खुद अपनी सरकार को इतना टैक्स नहीं दे पाते नेता, जितना कि ड्राइवर टैक्स दे देता है साल का। लेकिन जिस तरीके से आप स्टेयरिंग छोड़ के यहाँ सब हड़ताल पे बैठ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट का जो ये सारा सिस्टम है वो हिल नहीं जाएगा एक तरीके से, अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। मैडम जी जब वो हिल जाएगा तो अपने बच्चों को फांसी दे दें, सपोज करो मेरी कल को मौत होगी और मेरे मुझे 10 साल की सजा होगी, 7 लाख रुपए में, 7 लाख रुपए मेरी गाड़ी जब्त होगी और मेरे घर को वसूल कर लिए, जो मेरे 2 बच्चे हैं उन्हें कौन पालेगा, उन्हें कौन पालेगा। लेकिन उन्होंने बोला कि अभी लेटर दिया है, अभी जांच होगी इस कानून में, अभी पारित किसानों पर तुरंत थोप दिया था ना, एसडीएम पर थोप गया है, ऐसा जांच नहीं हुई है। ये जो कानून पास करा तो किससे मीटिंग करी थी, अमित शाह जी ने या मोदी जी ने? किसी ट्रांसपोर्ट वाले को बुलाया था या किसी को, किसी ऑल इंडिया ड्राइवर संघ को किसी को बुलाया था ये बताओ, उसके बाद पास करा, किसको बुलाया था वहाँ पे? ये तो अपनी मर्जी जो उठा के ले आते हैं, पता नहीं क्या क्या लाते हैं। और वो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, कुछ सोच समझ के 10 साल से सत्ता चला रहे हैं, कुछ सोच समझ के ही कानून लाए होंगे। नहीं सोचते वो, उस सरकार को वोट हम भी तो देते हैं, ड्राइवर भी तो सरकार को वोट देता है। जिस टाइम पोलिंग होती है सबसे पहले ड्राइवर आगे होता, जिस टाइम पोलिंग होगी सबसे पहले ड्राइवर होगा। यहाँ तक कि अमित शाह, मोदी जी, योगी जी, जो भी हो हमारे देश के मंत्री साहब, सबको ड्राइवर लेकर चलेगा, और जो मोदी जी को ड्राइवर लेकर चले तो मोदी जी तो अपने घर बैठे रहेंगे, क्या कर लेंगे वो बताओ। जो आप ये लोग हड़ताल कर रहे हैं इस कानून के तहत, लग रहा है सरकार पे दबाव बना पाएंगे आप लोग? अपना हक क्यों नहीं लेंगे हम? सरकार से कोई कुछ गलत चीज मांग रहे, अपना हक मांगा है हमने, हक मांगने का हक सबको है, कोई भी मांग सकता है, हमारा हक है, हमारा हक चाहिए, क्यों नहीं देगा? ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके जो रामलीला मैदान में लाखों की तादाद में लोग आए थे, उसके बाद भी उनकी नहीं सुनी गई और एनपीएस ही लागू हुआ है, आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, लग रहा है सुनेगी सरकार? बिल्कुल सुनेगी, सुननी नहीं पड़ेगी, 2 दिन गाड़ी बंद होगी ना, साग सब्जी दूध सब पता चल जाएगा। मेरी माँ को देखो, ड्राइवर ज्यादा नहीं 15 दिन के लिए हड़ताल कर दे, 15 दिन मोदी जी को भी और अमित शाह जी को भी ये पता लग जाएगा ड्राइवर क्या चीज होती है, 15 दिन में पता लग जाएगा। सुनो मेरी बात, सब्जी साग तेल चीनी बासन दूध दलिया सब ड्राइवर ही लेके चलता है, या मोदी जी या अमित शाह जी अपने नहीं बांटते फिरते, या कोई ये नहीं चाहता कि जाओ गोदाम पे से चीज ले आओ, ड्राइवर पहुंचाएगा, ठीक है? दुनिया भर की सब्जी मंडी है ना, सब ड्राइवर के दम पे चलती है, ड्राइवर पूरी रात जागता है, जब सो आदमी को खाना एक ड्राइवर खिलाता है, ये तुम भूल जाना, ड्राइवर पूरी रात जाग के अपनी जान पे खेल के, 1000 रुपए की नौकरी, 10,000 की नौकरी, 10,000 की नौकरी किसी भी कह देता है ट्रांसपोर्ट चलो जी ड्यूटी आ गई है, ठीक है जी साहब आ रहा हूँ, पूरी रात जागेगा, तुम्हारी गाड़ी लेके मंडी में पहुंचेगा, चैन से सो नहीं पाता एक ड्राइवर तुम्हें खाना खिलाने के लिए। रास्ते में चलते में तेज गाड़ी भगाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट भी होता है, जब मंडी माल पहुंचाता है तो उसके जिम्मेदार कौन है? ड्राइवर को क्या मिलेगा उसमें? इन्होंने हमारे ऊपर तो कर दिया। तो मतलब आखिरी आप क्या चाहते हैं, क्या मांगो, ये कानून को वापस लिया जाए, इसकी जगह क्या कानून लाया जाए? वही कानूनी मैम, कानून तो पहले से भी है ना हमारे, जो पहले से संविधान में कानून है, हम तो उनको ही चाहते हैं बस, हम इन कानून को चाहते ही नहीं। संविधान लिखा हुआ वो गलत लग रहा है अमित शाह को या मोदी जी को? उनको गलत लग ही रहा है, उन्हें गलत लग रहा है संविधान लिखा हुआ, कह तो रहे बदलाव होने चाहिए। क्यों होने चाहिए बदलाव? वो गलत है क्या बदलाव? क्यों होने चाहिए बदलाव? यानी कि किसी गलीब का गला काटना बदलाव होना ठीक बात है? संविधान किसी को गलत साबित कर रहा हो तो ठीक है, उसमें बदलाव लाओ आप। ये जो अभी उन्होंने एक कानून और निकाला है उसके साथ में कि रेपिस्ट को फांसी हो, हम उसका समर्थन करते हैं, ठीक है? पर जो दारू पी के ड्राइवर करता है हम उसको कहते हैं फांसी लगाओ, हम उसके खिलाफ है, जो ड्राइवर सही है उसको गलत है। दारू देश में लाई क्यों हो तुम? क्या दारू से? दारू से किसी को फायदा हुआ है? एक बंदा ये बता दे कि मुझे दारू से फायदा है, एक बंदा, मेरा हिंदुस्तान इतना बड़ा है, एक बंदा ये बता दे कि मुझे दारू से फायदा, दारू को देश में लाए क्यों रहे हो? दारू बंदी जो कर दो, बहनी जो कर दो, वो बंद करो ना। देखा आप लोगों ने किस तरीके से जो बोल रहे हैं कि जो रेपिस्ट है उनको जो फांसी की सजा होनी चाहिए उसके साथ है, पर ये जो काला कानून लाए हैं 10 से 20 हजार इनकी तनख्वाह होती है तो कैसे 7 लाख कैसे भरेंगे, और जो 7 लाख कैसे भरेंगे, और साथ ही साथ जो 10 साल की सजा बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि 10 साल की सजा काटने चले जाएंगे तो इनके परिवार वाले हैं और जो बच्चे हैं उनका क्या होगा? इस तरीके के जो काला कानून लाना,
ऐसा थोप देना इनसे पूछे बिना ही, क्योंकि अमित शाह और प्रधानमंत्री तो आपस में बातचीत करके ये कानून ले आते हैं, लेकिन उसके बाद जनता पे क्या असर पड़ता है यहाँ पे आपको देखने को मिल ही रहा होगा किस तरीके से हड़ताल कर रहे हैं आप। किस कानून की क्या राय है, मतलब ये कानून सही है कि नहीं है, इसमें हमें कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।